मानवाने स्त्री म्हणजे मातृत्व स्त्री म्हणजे कर्तृत्व प्रत्येक नारीला तिच्या कर्तृत्वाला तिच्या नेतृत्वाला तिच्या सहनशक्तीला तिच्या त्यागाला तिच्या समर्पणाला मानाचा मुजरा अशाच एक स्त्री शक्ती आहे शार्कीलांना ज्यांच्याबद्दल दोन शब्द बोलण्यासाठी येत आहे शब्दांचे जादूगर आदरणीय श्री एन वाय मलिक सर शहजादा दिलों का ना जादूगर हूँ शब्दों का बस जवा साथ देती है तो बातें दिल से करता हूँ। सम्मानीय रेजिडेंट आज के समारोह के केंद्र बिंदु जिन्हें पीवीएम परिवार की ओर से सम्मानित किया जाने वाला है ऐसे हमारे अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य नाना साहेब आर आर शिंदे सर आदरणीय शाकिरा मैडम उपस्थित सभी अधिकारीगण तथा उपस्थित सभी अध्यापक भाई और बहनों सभी कृपिक भाइयों और आए हुए सभी मेहमान कुछ दूर मेरे साथ चलो हम सारी कहानी कह देंगे जो बात दिख रही है इनकी आंखों में वो बात हम जबानी कह देंगे। आज की ये पुरबहार और बाल विकास महफिल हमारे उन अहबाब को अलविदा कहने के लिए सजाई गई है जो हमसे जुदा हो गए हैं। मैं अपने रुखसत होने वाले साथियों की खिदमत में चंद कल्पित आसुरा और बीते दिनों के चंद एहसास और जज्बात को दोहराना चाहूंगा। खुशियों भरे एहसास के इन शानदार पलों के बीच आज के सेवानिवृत्ति विदाई समारोह की आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। किसी सरकारी सेवा में जब हम लंबे समय से रहते हुए लोगों के दिलों में संबंधों की जड़ों को जमा लेते हैं तब उनसे विदा होना भी एक यादगार इतिहास बन जाता है अनोखे यादें बन जाती है। यादें भी कमाल करती है नहीं आती तो सुला देती है और आ जाए तो रुला देती है। जब अपने साथी की जुदाई की घड़ी आती है तो दिल गमजदा हो जाता है उनकी यादें उनकी बातें उनके साथ गुजारे हुए लम्हा दिल और दिमाग के पर्दे पर हमेशा हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। अगरचे हमारा और आपका साथ बहुत ज्यादा नहीं रहा लेकिन इसके बावजूद ये मुख्तसर से वक्फे में दिल व दिमाग के पन्ने पर बहुत सारी खुशगवार यादें और बातें नक्श हैं जो एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद नहीं आती पर वो उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। आज के विदाई समारोह आदर सम्मान सेवा में जिनके लिए समारोह का आयोजन किया गया ऐसी हमारी कर्तव्यप्राय चार्जशील संयमशील धर्मशील कर्मशील पुण्यशील आदरणीय शाकिरा मैडम जो अपनी बेदाग पारदर्शी सेवा से सेवानिवृत्त हुई है। एक शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता वो पीढ़ी के अंदर जिंदा रहता है। मैडम की शैक्षिक सेवाएं स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक जैसा नाम वैसा काम। मैडम का नाम शाकिरा दी शेख मासूम। शाकिरा मैडम की जबान पर हमेशा शक्र भी रहती थी और शुक्र भी। जबान पर शक्र का मतलब कि जब भी मैडम हमसे बात करते थे तो उनकी वाणी में मधुरता की झलक नजर आती और ऐसी झलक हमें गर्व या सृजनांच बीजारोपण में नारी शक्ति पर मैडम के जरिए दिए गए भाषण में भी नजर आई। मैडम के पिताजी का नाम है शेख मासूम। वो दुख्तरे मासूम भी है और मिजाजन मासूम भी। दुख्तर कहते हैं बेटी को। दुख्तरे मासूम यानी शेख मासूम इनकी बेटी और मिजाजन मासूम यानी स्वभाव से भी वो मासूम है। ये मासूमियत उनके कार्य में धैर्यता और व्यवहार में नम्रता के रूप में साफ झलकती है। आपको एक बात शायद पता नहीं होगी सत्यम की जो मुख्य इमारत है उसके ऊपर जो इब्राहिम मिस्त्री जो नाम लिखा हुआ है वो सर मैडम के पिताजी के मामा थे और मैडम के पिताजी भी खुद इस इमारत की तामीर किए थे। मैडम ने इस संस्था के उर्दू विभाग इस छोटे से शैक्षिक पौधे को कई वर्षों तक पोषित किया है। उन्हें इस संस्था के उर्दू विभाग की पहली महिला शिक्षिका होने का सम्मान भी मिला है।
मैडम ने राष्ट्र की अपनी बेटियों को बालिकाओं को सदैव सदैव मार्गदर्शन करती रही और यथासंभव उन्हें सहयोग भी किया। मैडम हमेशा लड़कियों से यह कहा करती थी, चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई, चौका बर्तन से बहुत जरूरी है पढ़ाई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? आप ऊर्जा, उत्साह, ईमानदारी, प्रेम, अनुशासन और सभी विद्यार्थियों की प्रेरणा स्रोत थी। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीज से पत्थर भी पिघल सकते हैं। यानी जिनके चरित्र से सच्चाई की महक आती है तो उनके उपदेशों से चट्टाने भी पिघल सकती हैं। आपके अंदर ईमानदारी, आत्मविश्वास, संयम, निष्ठा और लगनशीलता जैसे कई गुण हैं। मैडम का संपूर्ण व्यक्तित्व, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनके सीखने और सिखाने की क्षमता, उनका सहयोगपूर्ण व्यवहार, बच्चों के साथ उनका आत्मीय संबंध, समाज में उनकी भूमिका, काम के प्रति ईमानदारी जैसे गुणों से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। ज्येष्ठ शिक्षिका आदरणीय शाकिरा मैडम सही मायनों में श्रेष्ठ है कि इन्होंने ना कभी अपनी श्रेष्ठता दिखाई ना भी अपनी ज्येष्ठता दिखाई। ऐसे गुण किसी आदर्श व्यक्ति में ही पाए जाते, शायद यही वजह रही होंगी कि पिछले साल मैडम को आदर्श शिक्षिका का पुरस्कार भी मिला। मैं आप दोनों से एक ही गुजारिश करूंगा, नाना आपसे भी, कि आप हमेशा ज्येष्ठ बने रहे, वृद्ध ना बने। क्योंकि जो वृद्ध होता है उसे सहारे की जरूरत होती है और जो ज्येष्ठ होता है वो हमेशा लोगों को सहारा देता है। इसलिए आप रिश्ते को हमेशा याद रखें। रिश्ते वो नहीं कि जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वो भी नहीं कि जिसमें रोज साथ हो, रिश्ते तो वो है जिसमें कितनी भी दूरियां हो लेकिन दिल में हमेशा याद हो। वैसे पतझड़ में ही रिश्तों की परख होगी, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। आप हमेशा हमेशा याद रखें अपनी बातों में, अपनी यादों में, क्योंकि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है पर लगेगा नहीं। क्या बात है, मेरे पास समय और शब्दों की कमी है। मैं उनकी सेवाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकता, पर जाते जाते इतना कहना चाहूंगा कि हमारे ये साथी यही सोच रहे होंगे कि वक्त चला लेकिन कैसे चला पता ही नहीं चला, जिंदगी की आपाधापी में कब निकली उम्र हमारी यारों पता ही नहीं चला, कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे कब कंधे तक आ गए पता ही नहीं चला, किराए के घर से शुरू हुआ था सफर अपना, किराए के घर से शुरू हुआ था सफर अपना, कब अपने घर तक आ गए पता ही नहीं चला। जिन काले घने बालों पर इतराते थे कब अभी, जिन काले घने बालों पर इतराते थे कब ही हम, अभी सफेद होना शुरू हो गए पता ही नहीं चला। दर दर भटकते थे नौकरी की खातिर, दर दर भटकते थे नौकरी की खातिर, कब रिटायर हो गए पता ही नहीं चला। हम दुआ को रहेंगे कि आप जा जाए कामयाबियों कामरानी, हर मोड़ पर आपके कदम चुने। धन्यवाद। सच में सर आपके पास बहुत शब्दों की कमी है, इसलिए आपको शब्दों का जादूगर कहा मैंने और आपने सबका दिल जीत लिया। थैंक यू सो मच सर।